विदेशों च बैठे कई गैंगस्टर नूं भारत लिया जा चुका है ते इसे लड़ी च एक होर वड्डे गैंगस्टर दे अमेरिका च गिरफ्तार किए जाने की खबर है। बंबीहा ग्रुप के गैंगस्टर दलेर कोटिया नूं हुण अमेरिका च गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आ रही है। सामने आई खबर मुताबिक दलेर कोटिया नूं सैक्रामेंटो कैलीफोर्निया तो गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के रहने वाले दलेर कोटिया के वलों हरियाणा समेत पंजाब च कई थावां ते वारदातां नूं अंजाम दिता गया सी, जिसके चलदियां हरियाणा पुलिस ने दलेर कोटिया नूं अमरीका च फड़न लई कार्रवाई शुरू की सी। बंबीहा ग्रुप का यह गैंगस्टर हरियाणा के करनाल जिले के पिंड असंध का रहन वाला है, जो कि गैंगस्टर विक्की गुंडर का खास यार रहा है। तो कहा जाता है कि सुखा कालों के कतल समय भी दलेर कोटिया ने विक्की गुंडर का साथ दिता सी। इस दे नाल ही लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरिया के वड्डे ते कट्टर दुश्मनों चों एक है जो दोनों का कतल करना चाहता है। इत्थों तक कि यह भी सुनने च मिलिया है कि दलेर कोटिया के वलों लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरिया नूं जेल च मरवाउण की कोशिश भी की जा चुकी है। असल च दलेर कोटिया की दुश्मनी इन्हां नाल उदों शुरू हुई जदों भगवानपुरिया के वलों गैंगस्टर राणा कंदोवालिया का कतल कर दिता गया। राणा कंदोवालिया विक्की गुंडर ते दलेर कोटिया का खास यार सी, जिसकी मौत का बदला दलेर कोटिया जग्गू भगवानपुरिया ते लॉरेंस बिश्नोई कोलों लैना चाहुंदा है। दलेर कोटिया मई 2019 च अमरीका भज गया सी ते उत्थे ही रह रहा सी। पंजाब हरियाणा समेत कई थावां ते वारदातां करन मगरों उन्हां दीआं सोशल मीडिया ते जिम्मेवारियां भी इस वल्लों लई जांदियां रहियां ने। करीब एक साल पहला हरियाणा सरकार दे वल्लों दलेर कोटिया का घर भी तोड़िया गया सी, जिस मगरों दलेर कोटिया ने सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के अपना घर तोड़न दे हुक्म देण वाले अफसरां नूं धमकी दित्ती सी। फिलहाल दलेर कोटिया नूं हुण अमेरिका च तां गिरफ्तार कर लिया गया है ते जल्दी ही हुण उसनूं भारत लिया जा सकदा है। वड्डी खबर, कैनेडा एडमंटन च पंजाबी गैंगस्टर ते उसदे 11 सालां पुत दा गैंगवार च गोलियां मार कतल। कैनेडा के एडमंटन में एक गैंगस्टर ते उसके 11 साल बच्चे की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। जानकारी मुताबिक दोनों वीरवार को शॉपिंग प्लाजा च गैस स्टेशन के बाहर दिन दहाड़े गोली मार दी गई। पुलिस मुताबिक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी च सामने आया कि ब्रिटिश कोलंबिया च गैंगवार कारण यह घटना वापरी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि हस्पताल च दोनों मृत ऐलान दिता गया। पुलिस का कहना है कि मारिया गया व्यक्ति उपल ब्रदर्स कीपरस नाँ के ग्रोह का मैंबर से, हमलावर उसके विरोधी ग्रोह के सन। मृतक का नाम हरप्रीत सिंह उपल दसया गया। उपल से 2021 भी हमला होया सी, पर उस समय वह फरार हो गया सी। उपल के परिवार से पीज़ा की दुकान से खाना खाते समय हमला होया सी। पुलिस ने कहा है कि यह टारगेट किलिंग सी। सिटी प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने इस कतल से दुख प्रकट करते हुए कहा, मैं इस तरह एक नाबालग की बेरहमी नाल हत्या तो दुखी हाँ। शुक्रवार को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जो हमलावरों को पता लगा कि हरप्रीत अपने बेटे के नाल है तो उन्होंने उस निशाना बना के हमला कर दिता। पुलिस ने दसिया कि उपल चंगी तरह जानता सी। वह पहला ही गैंग और नशियां के मामलों में पुलिस की निगरानी में सी। पुलिस ने कहा कि नाबालग का कतल अति निंदन योग है और जेकर कोई इस जांच में सहयोग करना चाहता है तो वह अगे आवे। दस दे कि उपल नूं ड्रग्स के एक मामले में भी अदालत में पेश होना पिया सी। हरप्रीत नूं 2013 में भी गैरकानूनी हथियार रखने के मामले में जेल की सज़ा भी हुई सी। इस तो इलावा कोकीन तस्करी के मामले में एक मामला दर्ज किया गया सी। इस कतल नूं गैंगवार का नाम दिता गया। पुलिस ने कहा कि सानू इस गल की पक्के तौर पर जानकारी नहीं है कि जदों हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की सी तां उन्हां नूं कार विच बच्चों की मौजूदगी का पता सी या नहीं, पर इन्ना पता है कि जदों हमलावरों नूं पता लगा कि उपल का बेटा भी गड्डी विच सी तां उन्होंने जानबुझ के उसनूं गोली मार दी। हमले समय कार च उपल के बेटे का एक दोस्त भी मौजूद सी, जो कि हमले विच बच गया। तो बाकी फिलहाल पुलिस इस हमले की जांच विच लगी हुई है। इस समय की क्राइम अपडेट, तो मिलते हैं किसी होर अपडेट के नाल। उदों तक जुड़े रहो चैनल PMA न्यूज़ के नाल।